नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में मिल रही सुविधाओं को लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है। और तिहाड़ जेल से सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो सामने आया है। तिहाड़ जेल के इस सीसीटीवी फुटेज में सत्येंद्र जैन फल और सूखे मेवे खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सत्येंद्र जैन के वकील का दावा किया है कि जेल में उनका वजन 28 किलो कम हो गया है। और जबकि तिहाड़ जेल के सूत्रों की माने तो उनका कहना है कि जेल में रहने के दौरान सत्येंद्र जैन का 8 किलो वजन जो है वो बढ़ गया है। और बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि बलात्कारी से मालिश कराने और उसे फिजियोथेरेपी कहने के बाद सत्येंद्र जैन को शानदार भोजन का आनंद लेते हुए देखा जा सकता है। उन्हें ऐसे भोजन परोसा जा रहा है मानो वो छुट्टी पर किसी रिसोर्ट में हो। और केजरीवाल ने सुनिश्चित किया है कि हवालाबाज को जेल में वीवीआईपी मजा मिले ने की सजा। और इससे पहले सत्येंद्र जैन का एक वीडियो सामने आया था जिसमें सत्येंद्र जैन अपनी सेल में ही मसाज कराते हुए दिखाई दे रहे थे। और वीडियो में साफ दिख रहा था कि वे आराम से एक बिस्तर पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं और वे कोई दस्तावेज देख रहे हैं और एक शख्स उनके हाथों और पैरों में मसाज दे रहा है। उस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया और MCD को लेकर गुजरात तक इसका मुद्दा भी बनाया हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि पूरे प्रदेश में मोदी योगी की लहर चल रही है और इस लहर में ना तो किसी का गढ़ बचा है और ना ही किला। हमने आजमगढ़ और रामपुर संसदीय सीट पर होने वाले उपचुनाव पर जीत हासिल की थी। अब रामपुर और खतौली की विधानसभा सीट के साथ साथ मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी जीत हासिल करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सोमवार को ही शाहबाद रोड पर मौजूद सावरिया पार्क में रामपुर नगर विधानसभा क्षेत्र के बूथ सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। और उन्होंने पार्टी में ये भी कह दिया कि कार्यकर्ता बूथ जीतो चुनाव जीतो के मंत्र का कार्य करते हुए रामपुर विधानसभा के उपचुनाव में कमल खिलाकर इतिहास रचने का काम करें और सभी कार्यकर्ताओं को अपने अपने बूथों पर डटकर एक एक वोट डलवाने का कार्य करना है। कोई मतदाता ऐसा ना हो जो अपने मताधिकार का प्रयोग ना कर सके। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों के कल्याण, युवाओं को रोजगार और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में गांव के गरीब से लेकर किसानों के हितों तक की चिंता बीजेपी सरकार कर रही है और ऐसे में कार्यकर्ता जनता को उनके हितों के लिए चल रही योजनाओं की जानकारी देने के लिए घर घर पहुंचे और निश्चित ही जनता बीजेपी को वोट देगी और रामपुर में इतिहास रचने का काम होगा। सिद्धार्थनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसका बाजार में ही पूर्वांचल विकास बोर्ड संसदीय बोध अरविंद सिंह पटेल ने निरीक्षण किया है और जनपद में दो दिन लगातार अस्पतालों पर पहुंचकर अस्पतालों की साफ सफाई और सुविधाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और वहीं उसका बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर भी लाभार्थियों से मिलकर सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और साफ सफाई को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं लाभार्थी से पोषाहार के बारे में भी पूछा गया तो पोषाहार नहीं दिया जाता है। उसके बाद डिस्चार्ज लाभार्थियों से फोन पर भी बात की गई है और उनका हाल भी जाना गया है। डिस्चार्ज लाभार्थियों द्वारा 500 रुपये लेने का भी आरोप लगाया गया है। और पूर्वांचल विकास बोर्ड सदस्य बोध अरविंद सिंह पटेल ने कहा कि बहुत ही कम मरीज पाए गए हैं और जो भी शिकायत मिली है उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पेशेंट कम पाए गए हैं, ऐसी स्थिति में लोगों को सक्रिय होने का निर्देश दिया गया है। ऑर्थो डॉक्टर नहीं हैं, ऐसी स्थिति में एडिशनल CMO साहब हमारे साथ हैं, उनसे कहा गया हफ्ते में कम से कम एक दिन कोई ऑर्थो के डॉक्टर यहाँ बैठने का काम करें। डेंटल के दो डॉक्टर हैं, उनसे कहा गया जहाँ डॉक्टर हों एक वहाँ लगाया जाए।
सीतापुर में ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक के साथ दिन दहाड़े लूट हुई है और ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से 3,50,000 की लूट हुई है। कोतवाली लहरपुर क्षेत्र में ही दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। बता दें आपको कि लूट की वारदात के बाद इलाके में सनसनी भी फैल गई है और इसके साथ ही जानकारी भी मिली है कि मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और जिसके बाद मामले की छानबीन शुरू की गई। और आपको बता दें कि पूरा मामला कोतवाली लहरपुर इलाके का बताया जा रहा है। तो खबर सीतापुर से है जहां पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि संचालक के साथ दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था और जिसके बाद पुलिस को घटना की सूचना मिली और मौके पर पहुंची पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। बाराबंकी पीड़िता का आरोप सुनाते हैं। आपको बता दें कि अबू बकर पीड़िता का पहला पति और आरोपी का दोस्त था। हबीब और हबीब एक नंबर का राक्षस आदमी था और फिर वो अपने भाई सबीब को बुलाता है और दोनों मिलकर बलात्कार करते हैं और भाभी भाभी बोलकर दरिंदगी की सारी हदें पार कर देते हैं। और मामला अबू अकबर के पास पहुँचा तो अबू बकर ने ही तलाक दे दिया और फिर बेचारी महिला परेशान हो जाती है और SP दफ्तर पहुँचती है और SP साहब को न्याय की गुहार लगाती है और SP साहब आदेश करते हैं और जेतपुर पुलिस कार्रवाई करती है और FIR भी दर्ज कर ली जाती है। और मुकदमा दर्ज कर लेने के बाद फिर भी हबीब और सबीब की गिरफ्तारी नहीं हो पाती। इनकी शादी हुई थी और अबू बकर के साथ अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे और हबीब एक नंबर का राक्षस आदमी बताया जा रहा है और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि नशीला पदार्थ इनको पिला देता था और अपने दोस्त अबू बकर को भी नशीला पदार्थ दिया करता था जिसके बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया करते थे। वीडियो भी बनाया गया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल करने की वीडियो जो है वो भी धमकी दी जाती थी। वहीं SP साहब जब आदेश करते हैं FIR होती है तो फिर जेतपुर पुलिस इनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाती है और पीड़ित का आरोप है कि हबीब बाराबंकी शहर के एक किराए के मकान में कई महीनों तक वहाँ पर रहा और महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। अब देखना यह होगा कि जेतपुर पुलिस इनको गिरफ्तार आखिर कब तक कर पाती है। कारागार शब्द आते ही आपके दिमाग में भी बंदी गृह और जेल बंद कह दिया जाता होगा, लेकिन इस दिनों ही सरकार जेल की छवि और तस्वीर बदलने का प्रयास लगातार कर रही है। हम बात करना चाहते हैं यूपी के गोंडा जिले के ही, जहां पर जेल में जहां एक तरफ गायत्री मंत्र का पाठ सुबह शाम हो रहा है, वहीं मंगलवार शनिवार को जेल में बाकायदा सुंदरकांड पूरा पाठ हो रहा है। जेल में बंद कैदी ढोल हारमोनिया के साथ सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर जेल में गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश करते हुए मुस्लिम भाई अपना नमाज भी अदा कर रहे हैं। जेल में इन दिनों बंद कैदी अत्यधिक तरफ से बढ़ते हुए और सुधार की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेल में इस तरह के आयोजन से कैदी खुश दिख रहे हैं। जेल में निरुद्ध कैदियों का ही मानना है कि इससे वो धीरे धीरे अपने और अपने आप में ही सुधार कर रहे हैं और आने वाले समय में निश्चय कर रहे हैं कि वो अपराध से दूर रहेंगे। बताते चले आपको कि मंडल कारागार में इस समय 1,264 बंदी इसमें कैद हैं और इसके साथ ही जिन पर हत्या लूट तस्करी सहित अन्य अपराधी वारदात इसमें शामिल है और उन पर आरोप लगे हुए हैं। और कई कारणों से अपराध का दामन थामने वाले बंदी कैदी ऐसे भी हैं जो जेल की सलाखों में आने के बाद अपने किए गए हत्या पर पश्चाताप भी कर रहे हैं और अपने और परिवार के बारे में सोचकर वो तनाव भी महसूस कर रहे हैं और ऐसे में उन्हें मानसिक रूप से स्वास्थ्य बनाने के लिए जेल प्रशासन कई गतिविधियों का संचालन कर रहा है और बंदियों कैदियों को जोड़ा गया है और जेल में कैदियों को योग और स्वास्थ्य लाभ गुण भी सिखाया जा रहा है। वहीं जेल में बंद कैदियों से बात की गई तो बताया गया कि जेल में सुबह शाम गायत्री मंत्र का पाठ होता है और मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड पाठ से जेल की दीवारों के अंदर गूंजते हुए दिखाई देती है और कई कैदी बंदी जो है इसमें ध्यान मग्न होकर इसका जाप भी करते हैं और जेल में सुंदरकांड के पाठ से पढ़ने से ही उनकी सजा साफ हो रही है और जेल से भी छूटने की वो उम्मीद लगा रहे हैं। हम लोग सुंदरकांड का पाठ पढ़ते हैं, ऐसा कैदी कह रहे हैं और उनका कहना है कि हम लोग इसे अपने मन आत्मा को शांत करना चाहते हैं। सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, इससे हमारे बंदियों के जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। जब से ये सर जी आए हुए हैं तब से जलर साहब और ये डिप्टी साहब, इनके
द्वारा ये सुंदरकांड का पाठ करवाया जा रहा है। गोंडा जेल 1856 की बनी हुई है, वर्तमान में इसकी क्षमता 508 की है और इस समय जो आज की तारीख में 1264 बंदी बंद हैं। माननीय कारागार मंत्री डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति जी द्वारा जो उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र में काफ़ी कुछ पुनर्वास के कार्य भी शुरू किए हैं, उनका सबसे पहले था कि बंदियों को थोड़ा सा उनको मोटिवेट किया जाए और धार्मिक उन्मुखता को देखकर धार्मिकता को देखते हुए उनके अंदर कुछ पॉजिटिविटी लाई जाए। और इसी खबर पर हमारे साथ गोंडा से संवाददाता अनुराग कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। अनुराग, जिस तरह से मामला सामने आया है कि जेल में गायत्री मंत्र का पाठ किया जा रहा है, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी अमृतो, बता दें कि गोंडा जेल में सरकार के निर्देश पर जहां सुबह और शाम गायत्री मंत्र का पाठ होता है, वही मंगलवार व शनिवार को सुंदर कांड किया जा रहा है और बाकायदे इसमें कैदी और जेल प्रशासन के लोग उस सुंदर कांड में बैठते हैं और पढ़ते हैं और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और इससे कैदियों का कहना है कि वो इससे हमको फायदा मिल रहा है, जैसे हम परेशान होते थे और अपने घर के बारे में चिंता बनी रहती थी, तो एक मन की शांति मिल रही है और हम अब धीरे धीरे इससे अपराध को छोड़ने के भी मोटिवेशन मिल रहा है, तो अब हम आगे अपराध भी नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की पहल सराहनीय है और इसी को लेकर जेल प्रशासन इस समय गोंडा जेल में इस तरीके से कार्यक्रम कर रहा है और इसमें जो कैदी हैं उनको हुनर का रोजगार भी दिया जा रहा है और इस तरीके से काफी इंतजाम किए हैं। सरकार जैसे बदली है और जेल की सूरत बदलने का काम इस समय जो सरकार के निर्देश पर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में सराहनीय है। और इसी को लेकर गोंडा जेल में जो जेलर हैं शिव प्रताप मिश्रा जी, उन्होंने बताया कि इस तरीके से गोंडा जेल में कार्यक्रम चल रहा है और इससे लोगों को फायदा मिल रहा है और कुछ कैदियों को ऐसा भी हुआ है इसमें कि जिन लोगों ने सुंदर कांड और गायत्री मंत्र वगैरह करने से उनके उनके आचरण में बदलाव आया और उनको सरकार के द्वारा उनकी सजा भी माफ हुई और 4-5 कैदी उनकी सजा से पहले छूटे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे अब कैदियों में एक मोटिवेशन मिल रहा है कि अगर हम अपने अपराध को छोड़कर भक्ति में लीन हो तो कहीं ना कहीं सरकार हमारी सजा को भी माफ कर सकती है, तो इसको लेकर मोटिवेशन मिल रहा है। जी जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। मथुरा के थाना फरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव ऑल में मजदूरी करने के दौरान बिजली करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है और बिजली का करंट लगने से आधा दर्जन लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार मजदूर दुकान का निर्माण कर रहे थे, फिलहाल मजदूर को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है जहाँ उसका इलाज लगा जारी है। तो आपको बता दें मथुरा से खबर है जहाँ पर कई मजदूर जो है वह हादसे का शिकार हुए हैं। बताया जा रहा है कि इसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई है और बिजली करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत बताई जा रही है। वहीं घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है जहां पर मजदूरों का इलाज जारी है। गदरपुर में कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए रैपिड इंडियन फोर्स ने ही क्षेत्र का निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने स्थानीय पुलिस के अधिकारियों से असामाजिक तत्वों की भी जानकारी ली है। रैपिड इंडियन फोर्स 108 बटालियन के दर्जनों जवान डिप्टी कमांडेंट और रामकिशन के नेतृत्व में कई वाहनों के साथ थाने पहुंचे और जहां उन्होंने थाना अध्यक्ष राजेश पांडे से मुलाकात कर क्षेत्र के असामाजिक तत्वों की जानकारी ली। और इस दौरान डिप्टी कमांडेंट रामकिशन ने बताया है कि रैपिड इंडियन फोर्स का काम असामाजिक तत्वों की जानकारी लेकर पुलिस के सहयोग से अपराध को रोकना है। उन्होंने कहा कि कानून और शांति व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए समय समय पर निरीक्षण किया जाता है और कहा कि शरारती तत्व और आपराधिक कार्यों में लिप्त रहने वाले लोगों को चिन्हित कर आवश्यकता पड़ने पर उन्हें के खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई भी की जाती है। हमारा मेन उद्देश्य है कि इलाके की जानकारी लेना और जो सामाजिक तत्व है उनके बारे में जानकारी लेना, उनको चिन्हित करना ताकि इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहे। अभी हमारे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट उधमनगर पहला पुलिस स्टेशन है।
किच्छा के शांतिपुरी में धान तोल बंद होने की सूचना, नशे आक्रोशित किसानों ने ही कॉल सेंटर पर सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी कर हंगामा काटा है और किसान नेता और पूर्व दर्ज राज्य मंत्री डॉक्टर गणेश उपाध्याय के नेतृत्व में शांतिपुरी नंबर 2 के ही धान तोल सेंटर पर पहुंचे दर्जनों किसानों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की है और क्षेत्र में धान खरीद बंद किए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। और इस दौरान किसान नेता डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने भी इस संबंध में RFC और इसके साथ ही जिलाधिकारी उधम सिंह नगर से दूरभाष पर वार्ता कर जानकारी व्यक्त की है। नाराजगी इसको लेकर उन्होंने व्यक्त कर दी है और साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी उधम सिंह नगर से तत्काल शांतिपूर्वी में ही धान तोल लिमिटेड बढ़ाकर पूर्ण तोल प्रारंभ कराने की मांग की है। डॉक्टर उपाध्याय ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि CM पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के किसानों को धान का एक एक दाना खरीदने की बात कही थी, जबकि आज उनके गृह जनपद उधम सिंह नगर के ही शांतिपुरी समेत कई स्थानों पर तोल बंद की जा रही है, जो कि क्षेत्र के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। कलेक्टर अपूर्वा दुबे ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। सदर तहसील क्षेत्र में 25 बीघा से ज्यादा बेशकीमती सरकारी जमीन को भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया गया है। सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर प्लांटिंग कर रहे भू माफिया पर उन्नाव कलेक्टर अपूर्वा दुबे ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए ये काम किया है और सदर तहसील क्षेत्र में ही 25 बीघा से ज़्यादा बेशकीमती सरकारी जमीन को भू माफियाओं से कब्जा मुक्त कराया गया है। अवैध स्थायी और अस्थायी अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन के 4 बुलडोजर 6 घंटे से ज़्यादा गरजे हैं और 6 घंटे से चली इस कार्रवाई में 37 करोड़ रुपए को लेकर भी अधिक कीमती की जमीन को कब्जा मुक्त कराकर जिला प्रशासन ने अपने कब्जे से लिया है। आपको बताते चलें कि DM के आदेश पर सर्वे लेखपाल की तहरीर पर घंटा गंगा घाट कोतवाली में ही और 10 भू माफियाओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और जिला प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है और सदर तहसील क्षेत्र की ग्राम सभा कटरी और पीपरखेड़ा के लंबे समय से सरकारी जमीन को कुटरदिच कागजों द्वारा ही कब्जा कर प्लांटिंग कर रहे भू माफियाओं पर कलेक्टर उन्नाव अपूर्वा दुबे ने बड़ा एक्शन लिया है और 25 बीघा से ज़्यादा जमीन को भू माफियाओं से कब्जा मुक्त कराया गया है। आपको बताते चले कि SDM सदर नूपुर गोयल, COCT और राजस्व विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में सोमवार को करीब 6 घंटे 4 बुलडोजर स्थायी और अस्थायी निर्माण कर गरजे हैं। खबर बाराबंकी से है, जहां पर बबुरीहा गांव में ही सोमवार रात एक मकान में छत के रास्ते अंदर पहुंचे चोर ने 3 लाख की नकदी सहित लाखों की कीमती जेवरात पर हाथ साफ कर दिया है और सुबह चोरी की जानकारी होने पर परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि घुंगटेर थाना क्षेत्र के ही बबुरीहा मजरे गाड़िया गांव निवासी अजय कुमार सिंह सोमवार को ही बड़े बेटे के पुत्र का मुंडन कराने परिवार सहित नेमिष धाम गए हुए थे और जहां से देर शाम थक हार कर वापस आने पर सभी खाना खाने के बाद सो गए और देर रात ही चोर छत के रास्ते मकान में दाखिल हो गया और आंगन में रखे बक्से और पीछे कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़ा और 3 लाख की नकदी और लाखों रुपये की कीमती जेवरात और कीमती सामान लेकर वहाँ से फरार हो गया और परिवार सहित बाहरी कमरे में सो रहे अजय को इसकी भनक तक नहीं लग पकी और जिसके बाद ही सुबह होने पर कमरे में बिखरे पड़े सामान को देख चोरी की जानकारी हुई है। तो खबर बाराबंकी से आपको बता रहे हैं, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि चोरों ने 3 लाख की नकदी लेकर मौके से फरार हो चुके हैं और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि घर में सभी परिजन जो है वो सो रहे थे, जिसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और नकदी लेकर चोर मौके से फरार हो गए हैं। तो आपको बता दें, बाराबंकी से खबर है, जहां पर चोरों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि छत के जरिए चोर घर में दाखिल हुए थे, देर रात की घटना है, जहां पर देर रात चोर छत के रास्ते से मकान में दाखिल हो गए और चोरी करने के बाद आंगन में ही रखे बक्से और पीछे रखे कमरे में अलमारी के ताला भी तोड़ा गया है और लाखों रुपये की कीमती जेवरात और कीमती सामान जो है वो चोर
मौके से लेकर फरार हो गए। परिवार सहित बाहरी कमरे में एक युवक सो रहा था जिसको मामले की जानकारी भी नहीं हो सकी। वहीं सुबह होने पर कमरे में बिखरे पड़े सामान को देखकर चोरी की आशंका लगाई गई, जिसके बाद तलाशी लेने के बाद पता चला कि घर में रखा सामान, कीमती सामान, नकदी चोर लेकर मौके से फरार हो गए हैं। बिजनौर के दूरपुर मुरादाबाद मार्ग पर कार के सामने आवारा पशुओं के आ जाने से कार सड़क किनारे पलट गई है और कार सवार चार लोगों में से तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला है जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर इलाके के मुरादाबाद मार्ग का बताया जा रहा है। ग्राम बेड़ा निवासी चार युवक कार में सवार होकर मुरादाबाद से अपने गाँव आ रहे थे। जैसे ही उनकी कार गाँव ही के पास पहुंची और सामने से आवारा पशुओं के आ जाने से कार पशुओं के टकराने के बाद सड़क किनारे पलट गई। कार में बैठे शहजाद और मतलूब अनस गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गनीमत रही कि कार में बैठा चौथा व्यक्ति जो है उसको चोट नहीं आई है। सभी घायलों को नूरपुर के ही निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। जनपद के बिजनौर में आवारा पशुओं में से ही लगातार सड़क हादसे जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन किसी न किसी की आवारा पशुओं के टकराने से मौत हो रही है, जो बेहद चिंता का विषय बना हुआ है। तो अब बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पशुओं का आतंक साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और बताया जा रहा है कि कार जो है उसमें चार लोग सवार थे, जो पशु के सामने अचानक आ जाने से कार पलट गई है। बता दें आपको कि जनपद बिजनौर के नूरपुर मुरादाबाद मार्ग पर कार के सामने आवारा पशु आ जाने से सड़क हादसा हुआ है। कार सवार चार लोगों में से तीन लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर इलाके के मुरादाबाद मार्ग का है और ग्राम बेड़ा निवासी चार युवक कार में सवार होकर मुरादाबाद से अपने गाँव जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार गाँव के ही मोड़ पर पहुंची तो सामने से आवारा पशुओं के आ जाने से कार पशुओं के टकराने के बाद ये सड़क किनारे पलट गई और कार में बैठे तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गनीमत रही है कि कार में बैठा चौथा जो व्यक्ति है उसे चोटें नहीं आई हैं और सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जनपद बिजनौर में आवारा पशुओं से लगातार सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है और आए दिन किसी न किसी आवारा पशुओं के टकराने से कहीं मौत की खबर भी सामने आ जा रही है और जो बेहद चिंता का विषय बना हुआ है। किन्नरों की लड़ाई का हाई वोल्टेज ड्रामा देर रात घंटों तक चला है। किन्नरों की लड़ाई का ये पूरा मामला बाराबंकी में नगर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन का है, जहां लखनऊ निवासी गुड्डी नामक किन्नर को बाराबंकी के शालू नामक किन्नर ने पकड़ा और बीच चौराहे पर उसको जमकर पीटा। शालू का आरोप है कि लखनऊ निवासी किन्नर गुड्डी बाराबंकी के रेलवे स्टेशन पर बीते काफ़ी दिनों आकर गलत काम कर रही थी और जिसको उनके पास शिकायतें भी आ रही थी। इसे लेकर उसने गुड्डी के गुरु से भी बात की थी, लेकिन गुड्डी नहीं मानी और वो रोज की तरह बाराबंकी आती और वहां पर गलत काम किया करती थी, जिसके बाद दोनों के बीच लड़ाई हुई है। आपको बता दें कि बाराबंकी से खबर है जहां पर मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दो किन्नरों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा चला है। आपको बताते चले कि जिसके बाद भारी संख्या में वहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि किन्नरों की लड़ाई देखने वहाँ पर भारी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँच गए, जिसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया। बता दें आपको कि किन्नरों की लड़ाई का यह हाई वोल्टेज ड्रामा देर रात घंटों तक चला है। किन्नरों की लड़ाई का ये पूरा मामला बाराबंकी में नगर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन का है, जहाँ लखनऊ निवासी गुड्डी नामक किन्नर को बाराबंकी के शालू नामक किन्नर ने पकड़ा और बीच चौराहे पर उसको जमकर पीटा। शालू का आरोप है कि लखनऊ निवासी किन्नर गुड्डी बाराबंकी के रेलवे स्टेशन पर काफ़ी दिनों से आ रही थी और इसके साथ ही उसने बताया कि पुलिस में भी शिकायत की गई और उसके गुरु को भी शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई ना होने के बाद इसे लेकर उसने गुड्डी के गुरु से भी बात की, लेकिन गुड्डी नहीं मानी तो वो रोज़ की तरह बाराबंकी आती और गलत काम किया करती थी, जिसके बाद ये हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।